चैप्टर 5 इलुस्ट्रेशन नंबर 9। वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को रीड करो। इस क्वेश्चन में हमें इलुस्ट्रेशन नंबर 8 के डेटा भी कुछ कलेक्ट करने हैं। वहाँ पे जो इलुस्ट्रेशन नंबर 8 में जो स्प्रिंग दिया हुआ है उसके जो भी डायमेंशन है वो यहाँ पे हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहले मास ऑफ स्प्रिंग इज गिवन दैट इज 10^3 kg एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज गिवन दैट इज 5.25 × 10^3 न्यूटन पर मीटर। कंसिडर एग्जाम्पल इज टेकिंग द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मतलब मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक वो स्प्रिंग कंप्रेस होती है दैट वी हैव टू फाइंड। तो अगर हम फिगर के साथ उसको कंसिडर करें तो मान लो ये जो कंडीशन है वो एक बैलेंस कंडीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो ऐसा मैं कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। अब स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो होगा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे ही है और डिस्प्लेसमेंट होगा xm जितना, ठीक है। ये xm जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स, उसको बैलेंस करता हुआ नॉर्मल फोर्स एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्प्रिंग पे जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं फॉर कंप्रेशन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। और स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो अप्लाई होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये वाली डायरेक्शन में होगा। यानी स्प्रिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस रफ है और यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगी। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस लाने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे वर्क डन होगा, क्योंकि हमें xm अगर फाइंड करना है तो वर्क डन की फॉर्मूला में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या रखना है, xm जितना रखना है। तो इसका मतलब अगर हमें xm को फाइंड करना है तो मुझे वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल्स टू वॉट, डेल्टा K। यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। सो W इज इक्वल्स टू वॉट, Kf - Ki, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर कंप्रेशन स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब 0 - 1/2 mv², जिसमें v क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें एक फॉर्मूला मिली, W इज इक्वल्स टू -1/2 mv², इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं वही ब्लॉक को कंसिडर करूँ तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है एंड स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन भी सेम ही है। यानी दो दो फोर्स की वजह से मुझे वर्क डन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बारी बारी से हम फाइंड करते हैं। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, जिसकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हमने थ्योरी में उसको डिराइव किया है। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स दैट इज WS इज इक्वल्स टू वॉट, -1/2 K। डिस्प्लेसमेंट है हमारा xm जितना, सो xm² दूसरा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स सो W ऑफ R इज इक्वल्स टू Fr·d। डी की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो xm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, तो xm cos θ। अब देखो स्प्रिंग जो थी उसका कंप्रेशन मतलब ये वाली डायरेक्शन में हो रहा है, स्प्रिंग का कंप्रेशन ये वाली डायरेक्शन में हो रहा है, और
मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आप सोच सकते हो, और फ्रिक्शन का फोर्स एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री आएगा. सो एफ आर एक्स एम कॉस 180, एंड व्हाट अबाउट 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, मतलब माइनस. अब एफ की जगह पे ये फ्रिक्शन फोर्स है, मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू एस इंटू एन लिख सकती हूँ, म्यू इंटू एन इंटू एक्स एम. नाउ एन को बैलेंस कौन कर रहा है, ये एम जी जो था, एम जी इज़ बैलेंस्ड बाय रिएक्शन फोर्स एन. सो क्या हम एन इक्वल्स टू एम जी नहीं लिख सकते, सो म्यू इंटू एम जी एक्स एम, वेयर एन इज इक्वल्स टू एम जी. तो यहाँ पे मुझे वर्क डन मिल गया ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वॉट, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू आर. डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू आर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं. तो डब्ल्यू एस की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रखी है, वो वैल्यू पुट डाउन करो, 1/2 के एक्स एम स्क्वायर. और डब्ल्यू आर की वैल्यू भी हमने फाइंड करके रखी है, दैट इज़ माइनस म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स एम. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर दोनों के एल एच एस सेम है तो आर एच एस को हम कंपेयर कर सकते हैं. सो -1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 के एक्स एम स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एम जी एक्स एम. यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल के कट कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 नहीं तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई भी करो एंड डिवाइड भी करो, 2 यहाँ से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या, हम माइनस साइन को भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स एम स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस तो हमने कॉमन निकाला है तो प्लस हो जाएगा 2 म्यू इंटू एम जी एक्स एम. चलो मुझे ये मिल गया. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट डाउन करेंगे. मास ऑफ स्प्रिंग इज गिवन, दैट इज 10^3. वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज 5² मतलब 25 इज इक्वल्स टू, k का वैल्यू गिवन है 5.25 इंटू 10^3 एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना गिवन है 0.5, जी हमें लेना है 10, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्स एम, म्यू का वैल्यू है 0.5, जी का वैल्यू मैंने 10 लिया, और यहाँ पे मास भी तो गिवन है, दैट इज 10^3 इंटू एक्स एम. चलो ये मुझे मिल गया. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ से 10^3 सब में है तो वो कॉमन निकाल दूंगी और वो कैंसिल भी हो जाएगा, सो उसको हम कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे. तो बचा क्या, 25 इज इक्वल्स टू 5.25 एक्स एम स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स एम, क्योंकि यहाँ पे 0.5 इंटू 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिला 5.25 एक्स एम स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स एम माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से. तो यहाँ पे मैं इसको कंसीडर करूँगी, कंपेयर अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मुझे डेल्टा मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज मुझे एक्स एम का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पे आंसर आएगा 100 प्लस 100 इंटू 5.25. देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 5.25 जितनी, c की वैल्यू कितनी है, 25 जितनी, ठीक है, माइनस 25, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और b का वैल्यू कितना है हमारे 10, तो उसका मैंने सीधा लिख दिया है 10 स्क्वायर, ठीक है. चलो तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 100 प्लस 525 इज इक्वल्स टू वॉट, 625, ठीक है. तो यहाँ से मुझे डेल्टा मिल गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे सीधी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, एक्स एम इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा बाय 2a. एक वैल्यू में हम रखेंगे प्लस, दूसरे में रखेंगे हम लोग माइनस, ठीक है. तो चलो यहाँ पे मैं एक्स एम इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a
इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस और माइनस रूट 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.25। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस 2 प्लस और माइनस 625 किसका स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। सो डिवाइडेड बाय 12.5 तो मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। दो आंसर मिलेगा, एक होगा प्लस के लिए और दूसरा होगा माइनस के लिए, मतलब माइनस 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 12.5। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा xm इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 12.5 और xm इज इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 12.5। सो यहाँ पे माइनस साइन पॉसिबल नहीं है, सो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, xm इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर। तो ये हमारा कंप्रेशन हुआ।